सकते हैं सर, आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है, सर आप कौन है, मैं आपको, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी हूँ, कहते हैं मैं मोहसिन नकवी का रिश्तेदार हूँ, मोहसिन नकवी साहब आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदारी भाईजान किधर मिलना है, किधर मिलना है, कल्ले के अंदर जिस मर्जी आ, मैं चौक के खड़ा, ठीक है ना, चौक आपके सुपरविजन में ये सब कुछ हो रहा है सर, इसको माइक को टच मेरी बात सुन, मेरे मुंह के अंदर माइक को टच नहीं कर। हुआ कुछ यूँ है कि इसी नाके पर अभी चंद मिनट पहले एक कम उम्र बच्ची को पकड़ा है जो कि ड्राइव कर रही थी, और उनके वालिद साहब है शायद, वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी के रिश्तेदार भी हैं, तो इसलिए हमें फौरी छोड़ा जाए। आपने एक करना बेटी को पकड़ा, मैंने, आपने, वो थाने में गाड़ी लेके गए, मार्क एक्स गाड़ी है, आप कैमरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है, ये भाईजान आपको बुलाया तक नहीं है, ठीक है, आप कौन है सर, एसपी साहब ने अभी नाका, यार आप ऑन करें यार, कौन है सर, देखिए आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, हाँ। ना आप हमें ही रोक सकते हैं, सर आप कौन है, आप कौन है, सर आप कौन है, मैं आपको, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी हूँ, तो आप मुझे आइडेंटिटी शो करो ना, आप मुझे मांग सकते हैं, तो हम आपसे, मैं नहीं मांग रहा, डीएसपी साहब एसपी साहब मौजूद है मेरे मोहतरम, ये अकड़े हम डिग्रियां लेके ना हमारे आगे माइक ना करो, आपके पास एक भी है, ठीक है ना, एक भी है क्योंकि मैथ्स कम्युनिकेशन की डिग्री है मेरे पास, मेरे पास है, लेकिन आपको पता है याद काम करने नहीं आता, आपको पता है ये अथॉरिटी होती है, ये हर किसी के पास नहीं होती, ये लोगों की ना, लोगों की, मेरे मोहतरम मेरी बात सुने, बहरहाल ये शाही रवैये हैं, ये शाही रवैये हैं, ये शाही रवैये हैं, इनकी तरफ कैमरा घुमाए, कहते हैं मैं मोहसिन नकवी का रिश्तेदार हूँ, मोहसिन नकवी साहब आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ये हैं, कह रहे हैं मैं हूँ रिश्तेदार, ये रिश्तेदारी भाईजान किधर मिलना है, किधर मिलना है, कल्ले के अंदर जिस मर्जी आ, मैं चौक के खड़ा, ठीक है ना, चौक आपके सुपरविजन में ये सब कुछ हो रहा है, आज धमकियां दे रहा है वो बंदा, आप पुलिस ऑफिसर वर्दी पहनी हुई है, शफकत साहब है डीएसपी है, और अगर ये हमें सरेआम बंदा कह रहा मुझे अकेले में मिल, तो शफकत साहब सिर्फ देख रहे हैं, देख रहे हैं आप सर, अगर आप मिलना चाहते हैं पब्लिक में खड़ा हूँ मैं, आप बेफिक्र होके मिले, मेरा बगीचा लगे हो सर, आपकी जगह पर नहीं खड़ा, आपकी जगह, मैं तो आपके पास आया ही नहीं था, आप भी थोड़ा सा ना कूल माइंड होकर बात करें सर, मैं उनके पास आया ही नहीं, उनको बुलाया ही नहीं, एक बंदा तीसरा पर्सन आके कि भाई आप कैमरा बंद करें, वो कौन होता है मुझे कहने वाला कैमरा बंद करें, मैं एक अपना काम कर रहा हूँ, मैं एक आपकी हाई अथॉरिटी के साथ काम कर रहा हूँ, लड़ रहे हैं इनके साथ, तो हमारा मामला ही नहीं है, तो फिर मुंह भी कहने के लिए बना सर, वो क्यों, कौन होते हैं मुझे कहने वाले कैमरा बंद करें, आप मुझे सिर्फ इस बात कर रहे हैं, लड़ाई के सामने वो धमकी दे रहे हैं मुझे, अभी जाते हुए कोई अटैक हो जाता है कौन जिम्मेदार सर, इसको माइक को टच नहीं कर, मेरी बात सुनो, मेरे मुंह के अंदर मत, माइक को टच नहीं कर, ये आपकी चीज नहीं है, मेरी बात सुनो, मेरी बात, अच्छा मैं बात नहीं कर रहा आपसे, ना करें मुझे अभी जाते हुए कोई अटैक, कौन जिम्मेदार, आप अपने काम करें उधर, आप जिम्मेदार नहीं है, आप काम करें उधर, आप जिम्मेदार नहीं, काम करें उधर, कर रहे हैं आप, जिम्मेदार काम करें उधर सर, आप जिम्मेदार नहीं, काम करें, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब, आप काम करें, मेरे मोहतरम आप वर्दी पहन के गए, शाही रवैये है, शाही रवैये है, वर्दी कुछ का कुछ बना देती है, आप जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार हूँ तो बस, ठीक है फिर मैं एक जिम्मेदार शख्स के साथ, मैं करूँ जाके काम करो अपना, तो मैं काम ही कर रहा था, मेरे पास क्यों ढील कर रहा हूँ, तो करें उनसे हमने बात की, ये भी कह रहे हो करें, फिर जा भी नहीं रहे आप सर, उनसे तुम्हारा मामला ही नहीं है, आप अपना रवैया थोड़ा ठीक करो यार, अपना ठीक करो, अपना रवैया ठीक करो, आप अपना रवैया, मुझे बिल्ला हो जा, मुझे बिल्ला हो जा, तेज दिला रहे हो आईजी साहब, ये रवैये आप वर्दियां बदलने से रवैये नहीं बदलते, ठीक है, सारी आवाम खड़ी है, सिर्फ इनके रवैये चेक करें, ये जब थानों में जाते होंगे, जब इनकी कस्टडी में आवाम जाती होगी, फिर आवाम के साथ रवैये सही होंगे, खुदा का नाम लें, खुदा का नाम लें, इनके खुदारा रवैये ठीक करें, इनको कोई क्लासेस देंगे, इनको बोलने का तरीका है, ये हमारे भाई खड़े हैं जिनकी वर्दियों की इज्जत ही नहीं है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, बात करते हैं पता लगता है कोई बंदा बात कर रहा है, ये रैंकर अजीब है, बहरहाल ये शाही निज़ाम है, पाकिस्तान है, क्या कर सकते हैं यार, आप तो हमारे बड़े हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, बहरहाल अफसोस का मकाम है,
कि आप एक शख्स को इतनी प्रोटेक्शन दी और एक शख्स को वो बंदा धमकियां दे रहा हो और पूछने वाला कोई ना हो।